अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रानीज रसोई। मैं आज आपको टमाटे की दाल बताने का तरीका बताऊंगी, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह। उसके लिए मैं यहाँ पर तुवर की दाल ली हूँ, इसको इस तरह भिगा के रख ली। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल या तुवर, चना, जो भी है। और यहाँ पर मैं चार बड़े टमाटर काट के रख ली और दो हरी मिर्ची है और एक चम्मच टेबल स्पून मैं लाल मिर्ची ली हूँ और आधा टी स्पून हल्दी है, एक टेबल स्पून नमक है, आप अपने जायके के हिसाब से डालिए, और चार से पांच पोती लहसुन के हैं। अभी हम सारे चीज़ें यहाँ पर कुकर में शिफ्ट कर देंगे और ये टमाटर और हरी मिर्ची भी। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। दाल में लहसुन डालने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए हम लहसुन भी डाल रहे हैं। अब हम कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे, इसको हम एक से दो मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर एक दो मिनट हम इसको धीमी आंच पे रखेंगे। चलिए, मैं ये दाल का चूल्हा बंद कर दी, अब ये मैं ढक्कन खोल दी। ये देखिए, अब या तो आप इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लीजिए या दाल घोटनी से, जैसा भी है, इसको अब हम पीस लेंगे। ये दाल को मैं पीस ली ग्राइंडर में और इसमें अब हम ये आधा नींबू का रस डालेंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से है, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। और ये मैं हरी मिर्ची और करिया पाक डाल रही हूँ। हम इसमें नींबू का रस भी डाल दिए और अब थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना है वो हिसाब से आप इसको रखिए। अब इसके दो तीन उबाल आने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, फिर दाल को बघारेंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से पक गई। अब मैं इसको चूल्हे से उतार दूंगी, फिर हम अब दाल को बघार लेंगे। चलिए, अब हम दाल बघारते हैं। इस पर मैं कढ़ाई रखी चूल्हे पर और चूल्हा खोल दी। ये कड़ी पत्ता है, लहसुन चार पाँच पोती है, राई है, बघार की मिर्ची और ज़ीरा। अब हम ये सारी चीज़ें तेल में डालेंगे, ये हम डाल देंगे। ये बघार हो गया, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब हम बघार दाल में डाल देंगे। चलिए, अब हम सर्व करते हैं। चलिए, ये टमाटे की दाल बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ग्रानी रसोई अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहाँ भी मुझे सपोर्ट करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, हज़ारों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।